Hello friends, good morning. This is Devansh Agar. Welcome to the Modulation Institute. So today we are discussing about the electronics and measurement. So RRB-JE, DMRC and other state level PSU's के जितने भी exam हैं उनमें काफ़ी important topic electronics के अंदर जो रहता है that is measurement. कि electronics, instrumentation and measurement की कौन कौन से आप instrument use करते हैं और किस तरीके से measurement किया जाएगा, तो वो सारी चीज़ें हमें इसके अंदर पढ़ने के, व्हाट इज़ द मेजरमेंट, एक्चुअल में मेजरमेंट होता क्या है और किस तरीके से आप उसको यूज़ करेंगे. तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो एक, ये चूँकि ये डेमो है तो आज हम एक इंट्रोडक्शन देंगे कि कौन कौन से आपके सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, क्या उस सिलेबस डिज़ाइन हुआ है RRB-JE और DMRC में. तो हम जनरल इंट्रोडक्शन तो मैं आपको पूरा जब हम लेक्चर्स कवर करेंगे तो हम सारा कुछ कवर करेंगे जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट के सब्जेक्ट के अंदर आता है, ठीक है. बट क्या है कि कुछ टॉपिक आपके RRB में कम है, DMRC में थोड़े से ज़्यादा हैं, तो हम कवर सारे टॉपिक्स को करेंगे, ठीक है. बट जनरल आप उसमें पिक कर सकते हैं, जैसे मैं बता दूंगा आपको कि ये पर्टिकुलर टॉपिक RRB में ज़्यादा पूछे गए या इनसे अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको प्रिपेयर करेंगे. इसी तरह मेजरमेंट में आप जो दो चार चीज़ें देखेंगे कि भाई ठीक है, अगर हम क्लासिफिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन का किस तरीके से किया है इंस्ट्रूमेंट का और एक डिटेलिंग मेजरमेंट क्या है, एरर्स क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आपको इसमें पढ़नी है, ठीक है. तो आज हम एक सिलेबस को डिस्कस करते हैं, ओवरव्यू लेते हैं और कुछ टॉपिक्स को मैं जनरली आपको आज समझाते हुए चलूँगा. उसके बाद आप फर्दर कुछ लेक्चर्स को कंसिडर करेंगे अकॉर्डिंग टू डेमो, तो फिर आप उस लेक्चर्स को देखते हुए आगे जो है अपने सिलेबस को या टॉपिक्स को कवर कर सकेंगे. सो शुरू करते हैं. सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट. हालांकि जो सिलेबस है उसमें मेजरमेंट लिखा हुआ है बट इसको EIM नाम से या काफ़ी नाम से इसको हम पढ़ लेते हैं. तो सबसे पहला तो कि चूंकि हम मेजरमेंट की बात कर रहे हैं तो यहीं से हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहला व्हाट इज मेजरमेंट. आपको अगर हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, देखिए कहीं भी कुछ भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको नॉलेज सब्जेक्ट के बारे में हो कि आप पढ़ रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक पढ़ रहे हो, मेजरमेंट पढ़ रहे हो, तो व्हाट इज़ मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या है, सबसे पहली चीज़ तो यही है. हम अगर कह रहे हैं नापना तो व्हाट इज़, आप मेज़र कैसे करते हैं, मेजरमेंट का मतलब क्या, असल में आपको नापना कैसे है और कैसे नापना है, ये दोनों चीज़ें इसमें ही आ जाती हैं, ठीक. सो लेट्स से मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ मैं बच्चों को, और वही है कि आप को मैंने कहा कि सपोज़ आप मार्केट जाइए, ठीक है, आपको एक किलो चीनी लेके आनी है या कुछ भी, आपको सामान में बता रहा हूँ कि इतने किलो ले आइए, लीटर ले आइए या किसी भी मेजरमेंट में मैंने आपको कहा इतना लेके आइए, तो आप कैसे लाएंगे, आपको मैंने कहा एक किलो चीनी ले आइए तो आप एक किलो चीनी कैसे लेके आएंगे. तो आपको क्या करना है, आप गए दुकान वाले के पास, हैं उसे कहा भैया एक किलो चीनी दे दो, दे देगा ऐसे, ठीक. मतलब अब एक किलो देने हैं तो एक किलो में कितनी देगा वो, आपको ऐसे एक मुट्ठी भर के दे दे, ले जाओ बेटा, या कुछ ऐसे पूरा कट्टा उठा दे, ले लो एक किलो दे दो, नहीं देगा ना इस तरीके से. कहने का मतलब उसके पास एक वो बैलेंस है, उसमें एक तरफ वो एक बाट, एक बट्टा रखता है जिसमें 1 kg का है वो, एक तरफ आपका वो पैन है जिसमें वो चीनी करेगा और आपकी जब वो चीनी उसके इक्वल हो जाएगी तो कहेगा हाँ जी अब ये 1 kg हो गई, आप ले जाइए. तो एक्चुअल में उसने क्या किया, यानी कि उसके पास एक स्टैंडर्ड था, एक प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड पहले से सेट था, उसे पता है कि ये जो बट्टा है ये 1 kg है, तो उसने उससे उसको कंपेयर किया और जब वो उसके इक्वल हो गया, वो उसके बराबर हो गया, तो उसने कह दिया जी हाँ ये भी अब 1 kg हो गया, 10 kg होता तो 10 kg, 50 kg होता तो 50 kg, ठीक. तो दिस इज द मेजरमेंट, इसको हम मेजरमेंट कहते हैं. तो क्या हो गया मेजरमेंट, द कंपेरिजन ऑफ एनी क्वांटिटी, कंपेरिजन ऑफ एनी क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी का आप कंपेरिजन कर रहे हैं विथ इट्स प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड. उसके पहले से बनाए हुए प्री डिफाइंड, यानी कि जो स्टैंडर्ड आपने पहले से सेट कर रखा है उस स्टैंडर्ड से आप अगर उसको कंपेयर कर रहे हैं तो उसको हम मेजरमेंट कहते हैं, ठीक है. तो हम हर जगह यही करते हैं, आप कहीं भी जाइए, लीटर में आप दूध ले रहे हैं, तेल ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, कुछ भी, तो वो भी कंपेरिजन ही, मापक है उसके पास,
ठीक, तो यानी कि एक स्टैंडर्ड सेट है हमारे पास और उन स्टैंडर्ड के बेसिस पे ही आप मेजरमेंट कर रहे होते हैं। स्टैंडर्ड के बेसिस पे आप क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, क्वांटिटीज को मेजर करना, ये दे दिया उसको मेजर कर दिया, ये दे दिया, बस हो गया हमारे पास इस तरीके से। ठीक है, तो दिस इज द मेजरमेंट। ठीक, अब मेजरमेंट में आपको पता होगा कि मेजरमेंट हम जो करते हैं तो हम जनरली ऐसे क्यू बराबर एन यू से डिनोट करते हैं किसी भी वैल्यू को, जहाँ क्यू आपकी क्वांटिटी होती है कि जिस क्वांटिटी को आपको लिखना कैसे है, एन उसका मैग्नीट्यूड होता है कि कितनी वैल्यू है, और यू उसकी यूनिट होती है ना। जैसे हम मास की बात करते हैं 10 kg, तो मास इज़ द क्वांटिटी, 10 इज़ द मैग्नीट्यूड, ये इसका मैग्नीट्यूड है और किलोग्राम इसकी यूनिट है। तो एक रिप्रेजेंटेशन अगर आप किसी भी क्वांटिटी का करेंगे तो रिप्रेजेंटेशन किसी भी क्वांटिटी का अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट वो इस तरीके से होता है कि सबसे पहले आप क्वांटिटी बताएंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड बताएंगे कि वो कितनी है, और फिर उसकी यूनिट बताएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारी मेजरमेंट की जाती है क्वांटिटीज़ की। तो आपसे जनरल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आता है कि कौन कौन सी क्वांटिटीज़ आपके पास हैं, उन क्वांटिटीज़ को कैसे आपने एक्सप्लेन किया है, और उनके बाद फिर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट के टाइप्स और ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो अगर हम क्वांटिटीज़ की बात करें, ठीक, तो क्वांटिटीज़ हमारे पास दो तरीके से हमने क्वांटिटीज़ को क्लासिफाई किया है, एक आपकी फंडामेंटल या जिनको आप बेसिक भी बोल सकते हो, और एक आपकी डिराइव्ड। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, यानी कि जो चेंज नहीं हो सकती, दीज आर द क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ अदर क्वांटिटीज, ये वो क्वांटिटीज है जो किसी और क्वांटिटी की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। ठीक है, क्योंकि हम मेजरमेंट कर रहे हैं। तो इसी तरह ये आपसे बहुत मतलब इसमें पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको ये आज थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे रहा था कि फंडामेंटल, तो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनको साइंटिस्ट्स ने SI के तौर पे क्लासिफाई किया है। और वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, दैट इज मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैडिला। तो इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी और नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। आपसे 4 ऑप्शन दे दिए तो एक आपको ढूंढना होगी कौन सी इसमें फंडामेंटल नहीं है, या ये पूछ सकता है 4 अननोन दे दी, एक ऐसी दे दी इनमें से कौन सी फंडामेंटल है। ठीक है, तो इस तरीके की क्वांटिटीज पूछते हैं। तो हमारे पास क्या है कि टोटल 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, बेसिक जिनको हम कहते हैं, बाकी जितनी भी आप क्वांटिटीज पढ़ते हैं वो सारी की सारी इन्हीं फंडामेंटल से डिराइव की गई हैं, इन्हीं से निकाली गई हैं, इसीलिए उनको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। को क्या बोल देते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, ये जो क्यू बराबर एन यू, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और यहां क्यू क्वांटिटी, एन मैग्नीट्यूड, यू यूनिट, ठीक, जैसे हमने कहा मास 10 kg, तो इसमें ये जो मास है ये आपकी क्वांटिटी है, जो 10 है ये मैग्नीट्यूड है, और ये जो kg है ये यूनिट है। तो ऐसे आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी मेजरमेंट का या क्वांटिटी। अब हम जब क्वांटिटीज के यूनिट्स की बात कर रहे थे तो टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 हैं आपकी। ठीक है, इन 7 क्वांटिटीज की 7 यूनिट भी हैं, SI यूनिट जिन्हें हम कहते हैं, और वो फंडामेंटल है, तो ये भी यूनिट भी फंडामेंटल है। जैसे मास की यूनिट kg, लेंथ की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड,
टेम्परेचर की केल्विन, करंट की एम्पियर, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, ये इसकी यूनिट है कैंडेला, और यहाँ लास्ट क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज मोल, उसकी यूनिट मोल है, ठीक। तो इस तरीके से ये हमारी क्वांटिटीज और ये यूनिट, तो ये सात फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, और इन सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज से बाकी सभी क्वांटिटीज को ड्राइव किया गया, यानी कि ड्राइव क्वांटिटीज क्या हैं, दीज आर द क्वांटिटीज, ये वो क्वांटिटीज हैं विच आर एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, जिनको फंडामेंटल के रूप में लिखा जा सकता है ना, जैसे मास है, मास तो अपना केजी में ही है, आपका पता है हमें, बट अगर हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स हमें पता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स की यूनिट हालांकि हम न्यूटन पढ़ देते हैं पर न्यूटन नहीं है ना, अगर हम इसको फंडामेंटल के रूप में लिखें तो मास किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये इसकी यूनिट कही जाएगी, एक न्यूटन इसके बराबर होता है, ठीक। तो ये यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहां से निकाली, किलोग्राम इसी से बनी ना, अपनी यूनिट नहीं थी इसकी, अपनी नहीं लेके आया ये, अपनी न्यूटन वो तो इस यूनिट को ऑनर करने के लिए हमने इसका नाम न्यूटन दे दिया, बट अगर इसकी अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट ये है, तो दिस यूनिट इज बी ड्राइव फ्रॉम दैट, वो इस फंडामेंटल से बनाई गई है, ठीक है, तो वो ड्राइव क्वांटिटीज हैं, तो इसलिए बाकी जितनी भी इन सात के अलावा हैं वो सब हमारी ड्राइव क्वांटिटीज कहलाती हैं, चाहे वो वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, फोर्स हो, टाइम तो उधर है, और इसके अलावा एनर्जी हो, जितना भी आप कोई भी क्वांटिटी की बात करेंगे वो सब डायरेक्ट आ जाएगी, ठीक। तो डायमेंशन का एक मेथड होता है इससे इसको यूज़ करने के लिए, तो हम जो अभी आगे पढ़ेंगे मेजरमेंट में, तो वही हम यही पढ़ेंगे कि मेजरमेंट होती क्या है, तो ये हमने देख लिया थोड़ा सा कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं फंडामेंटल हैं, डिराइव टाइप क्वांटिटीज़ कैसे हैं वो निकाली जाती हैं, फिर उसके बाद किस तरीके से उसको आप रिप्रेजेंट करोगे ना, उसको लिखने का तरीका क्या है, ठीक। उसके बाद हमारे पास कि जनरल, अब देखिए जब आप कोई मेजरमेंट करेंगे और क्या इसमें आगे आएगा, तो हम इसमें जो पढ़ेंगे दैट इज एरर्स के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। एरर क्या होता है आपको पता भी, ठीक है, कुछ ना कुछ मेजर करेंगे तो गलती तो ज़रूर होगी, तो एरर क्या है, एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में अगर कोई डिफरेंस आता है तो वो हमारा एरर कहलाएगा, उसको हम एरर कहेंगे, वो गलती है, बेईमानी है, ट्रू वैल्यू 10 थी, मेजर आपने 8 किया तो 2 का एरर आ रहा है आपका, ठीक। तो इस एरर के बहुत सारे क्लासिफिकेशन हैं और इस एरर के सिस्टमेटिक वैल्यूज भी हैं, तो उन सबको हमें हमारे सिलेबस का पार्ट है और वो डिस्कस करने हैं, ठीक है, कि कौन कौन से क्लासिफिकेशन है। एरर्स पे कुछ क्वेश्चंस भी आए हुए हैं आपके, जैसे आपके जो मैथमेटिकल एरर्स हैं तो उनके ऊपर क्वेश्चंस भी हैं कि सपोज आपको इतनी ट्रू वैल्यू थी, इतनी मेजर्ड वैल्यू थी या इतना वो था, तो कैसे आप उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक। तो पहला जो आपका टॉपिक है जो आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट में, दैट व्हाट इज मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या है, तो ये जस्ट आपको समझना है, रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है, हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, फंडामेंटल में आपकी ये हैं 7ों की 7, बाकी क्वांटिटीज़ हमारी ड्राइव की गई हैं जो इन्हीं से बनी हुई हैं, अगर आप कोई भी यूनिट निकाल के देख लें, किसी भी क्वांटिटी की उठा लीजिए, ठीक है, चाहे एनर्जी हो चाहे वो हो, वो आपको सब इसी से मिली हुई बनेंगी, वो किसी और से नहीं बन सकती हैं, ठीक। इसी तरह जब हम भाई जब मेजर करेंगे तो कुछ ना कुछ गलती आएगी, तो हमारा एरर्स का एक टॉपिक इसमें आ जाता है, ठीक। तो कि एरर्स क्या हैं, तो एरर्स आपको पता है ट्रू मेजर्ड में जो डिफरेंस होगा दैट इज एरर, तो अब एरर के बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, क्यों क्यों एरर अकर हो जाती है, एरर आती क्या है, क्या उसमें कोई एनवायरमेंटल कॉज है या कोई इम्परफेक्शन की वजह से है, पर्सनल एरर है, सिस्टमेटिक एरर है, तो ये एक क्लासिफिकेशन है एरर किस किस तरीके की होती है, तो वो सब हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि किस तरीके से एरर को क्लासीफाई किया गया है। और जो हमारा है, जैसे हम बात करते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स की अगर हम बात करते हैं, अभी जैसे हमने यहाँ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात की, इसी तरह हमारे पास कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी होती हैं, ठीक है, मैं इसको इधर लिख देता हूँ, दैट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, क्योंकि हम मेजर करेंगे तो यूनिट्स में ही मेजर करते हैं ना, तो 3 तरीके के हम जनरली सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं, MKS मीटर किलोग्राम सिस्टम, CGS सेंटीमीटर ग्राम और FPS सिस्टम, ये 3 तरीके का सिस्टम हम बात करते हैं। अब मीटर किलोग्राम, MKS सिस्टम, CGS सेंटीमीटर ग्राम, यानी कि लेंथ को मीटर सेंटीमीटर फुट में नाप सकते हैं, किलोग्राम ग्राम पाउंड में नाप सकते हैं, मास को और टाइम को सेकंड में,
तो क्या था कि ये तीन तरीके की जनरल स्टैंडर्ड्स हमारे यूज किए जाते थे यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए या मेजरमेंट के लिए। अब होता क्या है कि हर जगह पे अलग अलग मेजरमेंट होता है, मापन की व तोल की विधियां अलग अलग है। इतिहास के अगर आप विद्यार्थी हो, हैं पढ़ा हो कभी आपने, है ना, दसवीं तक या उसमें, तो टेक्निकल में इतिहास नहीं पढ़ा होगा, पर हालांकि पढ़ते हम इतिहास ही हैं, ठीक है। एक बड़ी कॉमन बात है, हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं पर इंजीनियरिंग में भी जनरल हम क्या करते हैं, इतिहास पढ़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं यार सर इंजीनियरिंग में कहाँ इतिहास पढ़ो, कहते हैं इतिहास बहुत ज़रूरी है। आप जो ये सब पढ़ रहे हैं, चाहे हम माइक्रो प्रोसेसर पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, ये सब यूज़ हो चुके हैं, कुछ हो रहे हैं, कुछ प्रोसेस में चल रहे हैं, तो सब पढ़ रहे हैं हम उसमें, ठीक है। तो इसी तरह इतिहास भी पढ़ते हैं इंजीनियरिंग में, वो भी उस करंट क्या हो रहा है और आगे क्या होगा वो भी पढ़ रहे होते हैं। तो इसी तरह इतिहास में ये है हमारा कि ये भी हमारे पास क्या था कि अलग अलग जगहों पे मापन में तोल की विधि अलग थी मेजरमेंट की और उसकी। तो क्या था, कहीं एमकेएस सिस्टम यूज़ हो रहे हैं आपके कुछ जगह, अमेरिका वगैरह, या कहीं कहीं फ्रांस, इंग्लैंड विंग्लैंड, कहीं यूरोप में एफपीएस यूज़ हो रहा है, कहीं पे सीजीएस यूज़ हो रहा है। अगर भारत में आपको मापन याद हो तो शेर, बट्टा, किलो, रत्ती इत्यादि इस तरीके की मापन की विधियाँ चलती थी। अब क्या होता था कि जब हमने इंटरनेशनली व्यापार करना शुरू किया तो इसमें बड़ी दिक्कतें आनी शुरू हुई मापन में, क्योंकि क्या हुआ है कि हमारे पास दिक्कत क्या है कि आपने मानिए कहीं कुछ तोल के भेजा और वहाँ पे उसका स्टैंडर्ड उस हिसाब से सेट नहीं है, तो फिर दिक्कत हो गई। अभी तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि आप एक किलो चीनी लेके जाइए तो आपको पता है वो बट्टा है, अब वो एक किलो यहाँ भी उतना ही एक किलो है, उसको कहीं विदेश में तोलेंगे तो वो भी एक किलो उतना ही रहेगा, मतलब उस एक किलो का फिक्स है इस वक्त तो स्टैंडर्ड, पर पहले ऐसा नहीं था। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ तो भारत में जैसे आपको बताओ शेर चलता था, एक शेर, डेढ़ शेर, मन, रत्ती, और मतलब ऐसे ढड़ी, हमारे गांव में जैसे ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा तो मुझे भी नहीं याद आ रहा, शेर है, ढैया है, और पौना, सवा इत्यादि इस तरीके से हमारे यहाँ मापन में अलग अलग विधियाँ थी। तो क्या होता था, हमारे यहाँ जो एक शेर है ज़्यादातर उसको इक्विवेलेंट हम कर देते थे कि एक किलो के बराबर है, पर ऐसा नहीं है, वो जो एक शेर होता था उसमें थोड़ा सा शायद मुझे लगता है 200-250 ग्राम फालतू आता था एक किलो से, अभी का जो एक किलो है या उस टाइम जो अमेरिका वाला एक किलो था। अब क्या है कि मानिए आपने कहीं से एक किलो भेजा तोल के और हम उसको अपने इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड में तोड़ें कि जी हमारा तो एक किलो एक शेर के बराबर है, तो हमारे यहाँ तो कम निकल जाएगा और हमने भेज दिया तो तुम्हारे यहाँ ज़्यादा पहुँच जाएगा। तो ये तो मैंने एक छोटा प्रैक्टिकल आपको ऐसे एग्जाम्पल दिया। तो इसी तरीके से मापन की अलग अलग विधियाँ होने की वजह से हर जब हमने इंटरनेशनली ग्लोबली व्यापार करना शुरू किया तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हमें आनी शुरू हुई। तो क्या हुआ कि सारे साइंटिस्ट बैठे, ऐसे वैज्ञानिक बैठ जाते हैं, खाली टाइम तो सबको होता ही है ना, वैसे भी आपको पता ही है। तो एक दिन बैठे उन्होंने कहा जी ये देखिए ये सब नहीं चलेगा, अब आप तुम्हारा किलो किलो हमारा किलो पौना ऐसे थोड़ी हो जाएगा, है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है इनको बंद करो और पूरे विश्व में आप अपने देश में कुछ भी चलाइए उससे हमें मतलब नहीं, इंटरनेशनली ग्लोबली अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो एक मेजरमेंट का सिस्टम बनाइए, सिद्धांत बना दीजिए और वही सभी उपयोग करेंगे। तो इन्होंने क्या करा, ये जितनी भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स थी इन्होंने कहा ये सब बंद करो, एक सिस्टम उठा लो, एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। और इन एसआई वालों ने भी क्या करा, दे अडॉप्ट एमकेएस सिस्टम, इन्होंने भी एमकेएस को अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि अमेरिका के चलती थी भैया उठा लिया, ठीक है जी एमकेएस उठा दिया। अब हुआ क्या कि जब इस एमके सिस्टम को एसआई सिस्टम में अडॉप्ट कर दिया तो उन्होंने ये जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी इन सबको परिभाषित किया और इन सबको एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लाई। स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या कि फिक्स किया हमने एक किलो कितना होगा, सीजियम का एक सिलेंडर था उसका हमने भार किया कि भाई इतना एक किलो होगा, तो हर जगह स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि आप हर विदेश का पूरे विश्व में जहां भी एक किलो होगा वो इतना होगा। एक मीटर की बात करें तो लाइट सेकंड के पता नहीं 2 करोड़वें हिस्से में जितना ट्रेवल करती है उतना वो 1 मीटर होगा। इस तरीके से हमने उन्होंने हर एक चीज़ को परिभाषित करते हुए इनको डिफाइन करते हुए सेट कर दिया कि इतना 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 होगा। उसी से हमने एसआई सिस्टम क्रिएट किया और एसआई यूनिट्स बनाते हुए हम चले, ठीक। तो ये आपका एक मेजरमेंट था कि व्हाट इज़ मेजरमेंट, क्या होता है। तो मेजरमेंट से क्वेश्चन जनरली फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही पूछे जाते हैं, ड्राइव से पूछ ले जाते हैं कैसे हम ड्राइव करते हैं, या एरर्स से पूछेंगे तो हम एरर्स को डिटेल में स्टडी करेंगे अभी आने वाले लेक्चर्स में। और सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपको पता ही है कि एसआई में कौन सा सिस्टम अडॉप्ट किया गया, तो एमकेएस सिस्टम अडॉप्ट किया, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो और इनको अभी आगे डिटेल में चर्चा रखेंगे हम जब अगले लेक्चर्स में। तो आज सिर्फ एक इंट्रोडक्शन। तो पहला जो टॉपिक आपको इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट में मिलता है दैट इज मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या है और कौन कौन सी क्वांटिटीज़ को हम मेजर करते हैं।
ठीक। अब चूंकि मेजर कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो मेजरिंग के लिए भी चाहिए, ऐसी तो मेजर कर नहीं लोगे। अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं तो ये तो जनरल मेजरमेंट था, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट के लिए कुछ चाहिए क्या भाई? अब अगर तोलना भी था तो 1 किलो हाथ पे तो रख के तोलोगे नहीं, कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिएंगे आपको। तो वो इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं हमारे, तो वो हम इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, सो इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं। ये मेजरमेंट था, ठीक। सो समय लग गया मिटने में नहीं तो आइए अगला है आपका इंस्ट्रूमेंटे। तो कौन, क्योंकि सिलेबस में जो जो टॉपिक्स हैं उन्हीं को हम आज डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट्स, जाहिर सी बात है मेजरमेंट हमने समझा। अब मेजरिंग करने के लिए इंस्ट्रूमेंट की तो ज़रूरत है, हाथ में तो आप तो लेंगे नहीं या कुछ भी मेजर करेंगे नहीं, और इलेक्ट्रॉनिक तो वैसे नहीं करेंगे, बिजली थोड़ी हाथ में मेजर कर लोगे। सो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हमारे होते हैं और किस तरीके से उनको यूज़ किया जाता है, क्या क्या ज़रूरतें हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हैं, और कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट आपके सिलेबस में हैं, वो सब आपको पढ़ना है। ठीक है, सो इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं हमारे पास? सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन ऑफ, अगर हम इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो काफ़ी तरीके से क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले तो एब्सोल्यूट या प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे, एंड देन सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट हैं, और इन सेकेंडरी को भी हमने फिर 3 तरीके से क्लासिफाई कर दिया है, दैट इज इंडिकेटिंग और इंटीग्रेटिंग एंड रिकॉर्डिंग। ठीक है, और एब्सोल्यूट हमारे जो जनरल प्राइमरी स्टैंडर्ड्स। देखिए होता क्या है, जो हमारे एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है या प्राइमरी स्टैंड जो इंस्ट्रूमेंट हैं, ये वो इंस्ट्रूमेंट हैं जो एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे हमने वो बताया था ना, वो 7 क्वांटिटीज उनके स्टैंडर्ड सेट कर दिए, तो वो लेबोरेटरी में इंस्ट्रूमेंट किए, टेस्ट किए, स्टैंडर्डाइज कर दिए, बना दिए। उस स्टैंडर्डाइज के बाद जब उनको हम आगे यूज़ करते हैं तो वो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स में आ जाते हैं। यानी कि दीज आर द इंस्ट्रूमेंट। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं कि ये वो इंस्ट्रूमेंट हैं जो मेजरमेंट देते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म्स में। फिजिकल का मतलब जो हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी थी उनकी टर्म्स में, मास की टर्म में, लेंथ की टर्म में, यूनिट। यानी कि ये एक अलग तरीके का मेजरमेंट देते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म में। यानी कि दे गिव्स द मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। दूसरा, ये जो सेकेंडरी हैं, फिजिकल नहीं ड्राइव भी हैं, ड्राइव में भी देंगे, बट इन सब में कैलिब्रेशन होता है। कैलिब्रेशन का मतलब ये स्केल, जो स्केल का डिफ्लेक्शन है उसके बेसिस पर मेजरमेंट देते हैं और सेकेंडरी मेजरमेंट देते हैं। यानी कि प्राइमरी नहीं देंगे, फिजिकल नहीं देंगे, ड्राइव देंगे, और अकॉर्डिंग टू स्केल डिफ्लेक्शन,
कितना डिफ्लेक्ट हुआ, तो इसमें क्या टॉर्क्स काम करती हैं, कुछ हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो वो टॉर्क्स के बेसिस पे वो डेवलप होती है कि भाई कितना एंगल बन रहा है, कितना कैलिब्रेशन हो रहा है स्केल का विद नल, ठीक। तो उसके बेसिस पे कि ठीक है आपका पॉइंटर इतना मूव कर गया, वो कर गया, तो उसके बेसिस पे जो मेजरमेंट होता है दैट मेजरमेंट इज़ रिकॉर्ड या आप कह सकते हो इंडिकेट बाय द सेकेंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट जो मेजरमेंट शो करते हैं बाय द यूज ऑफ स्केल डिफ्लेक्शन और द कैलिब्रेशन, दे आर नोन एज द सेकेंड इंस्ट्रूमेंट। अब इन सेकेंडरी के हमने तीन टाइप पढ़ने हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें सेकेंडरी पढ़ने, प्राइमरी तो आपके जनरली मैकेनिकल और उसमें बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं, हमारे पास यहाँ सेकेंडरी है और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर हम सिर्फ इसका एक एग्जाम्पल की बात करें जो इलेक्ट्रॉनिक में यूज़ है, तो दैट इज टेंजेंट गैल्वेनोमीटर यूज़ होता है एक बस जो, ठीक है, और हमारा कोई इसमें ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अब इंडिकेटिंग में क्या है, इंटीग्रेटिंग, और बाकी हम इनको भी डिटेल में भी स्टडी कर लेंगे। इंडिकेटिंग इंडिकेट कर रहे हैं भैया, सिर्फ दिखा रहे, इंडिकेट, कोई रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कुछ होल्ड नहीं करेंगे, बस जैसे एमीटर वोल्ट मीटर नहीं होते, एक बार डिफ्लेक्शन हुआ शो कर दिया, इंडिकेट। तो दीज आर द इंस्ट्रूमेंट विच कैन ओनली इंडिकेट द रिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन दिखा देते हैं, आपने लगाया सिर्फ ऐसे करके गए सुहिरी, हाँ बता दिया जी पाँच है जी दो है जितना भी है मेजर है, कोई दिक्कत थोड़ी है, तो इंडिकेट कर रहे थे। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना, इकट्ठा करना। जैसे इंडिकेट में क्या होता है, जैसे अभी आपने जैसे सर्किट में लगाया खट पिन लगाई दोनों कड़प जो भी था एक साथ दिखा दिया, पर इंटीग्रेट हम करते हैं जब हमें लंबे टाइम रेस्पेक्ट में मेजरमेंट चाहिए, एक घंटे में कितना हो रहा है, दो घंटे में, दस मिनट में, पचास मिनट में, या जब हमें लंबा टाइम लैप के रेस्पेक्ट में हमें चाहिए। तो ये टाइम के साथ साथ जो भी इंडिकेशन होती रहती है उनको साथ में रिकॉर्ड भी करते रहते हैं और पूरा मेजरमेंट देते हैं एक घंटे के अंदर, है ना, कि इतना बढ़ा घटा घटा बढ़ा, है ना, ऐसा आप शो कर सकते हैं उसमें। तो ये इंटीग्रेटिंग क्या करते हैं, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में टोटल मेजरमेंट देते हैं, इंडिकेट उसी एट इंस्टेंट टाइम पे देते हैं, उसी वक्त कितना मेजरमेंट हो रहा है, इंटीग्रेट इकट्ठा देते हैं, देख ऑल्सो भी रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड करते हैं। अब रिकॉर्डिंग क्या, फिर आपको भी रिकॉर्ड तो यहाँ भी हो रहा है, ये रिकॉर्ड करके सिर्फ आपको उस पर दिखा देंगे कितना हो रहा है। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हम चार्ट्स रिकॉर्डर भी होते हैं हमारे कुछ, तो हम क्या करते हैं जैसे सीआरओ वीआरओ में हम डिफ्लेक्शन, तो इंटीग्रेटिंग है वो हमने देख लिया, ठीक है, या ओम मीटर है वो हमने देख लिए, बट रिकॉर्डिंग में हम उसको रिकॉर्ड करके बाहर ले भी सकते हैं, चार्ट वार्ट लगा देते हैं उसमें पेन और पेपर, तो वो ग्राफ बना के, तो वो यानी कि रिकॉर्डिंग में ये दोनों के काम हो गए, इंटीग्रेट इंडिकेट भी हुआ, इंटीग्रेट भी हुआ, वो साथ के साथ भी दिखा रहा है कितना चेंज हो रहा है, और रिकॉर्ड करके इकट्ठा उसे और उसको प्रिंट भी करके दे देता है। तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में एनर्जी मीटर है हमारा, जैसे स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर्स हैं कुछ, एक्स वाई रिकॉर्डर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है, ठीक। तो हमको जो इंस्ट्रूमेंट में पढ़ना है कि बेसिक क्लासिफिकेशन एब्सोल्यूट क्या है उनके अंदर, इंडिकेटिंग इनके टाइप्स पढ़ने हैं और इनके अंदर कौन कौन से डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में उसको पढ़ेंगे और डिटेल में, कि रिकॉर्डर्स में कौन कौन से एक्स वाई स्ट्रिप रिकॉर्डर उनका कैसे वर्किंग है, इंटीग्रेटिंग में कैसे ओम मीटर एनर्जी मीटर्स काम कर वोल्ट सॉरी जो आपका ओम मीटर है वो कैसे काम करता है वो, या इंडिकेटिंग मीटर में कैसे काम होता है, ठीक। करें इसमें आपका वोल्ट में जो है कि अगर आप इकट्ठा वोल्टेज को मेजर करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप उसको मेजर करेंगे, तो ये सारी चीज़ हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है दैट इज एसेंशियल ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स या सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स भी कह सकते हैं, अब या इसको टॉर्क्स भी कह सकते हो, टॉर्क कौन कौन सी टॉर्क डेवलप करती हैं, तो हर एक इंस्ट्रूमेंट के लिए तीन टॉर्क जरूरी हैं, द वेरी फर्स्ट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और द लास्ट इज डैम्पिंग टॉर्क, ठीक है। तीन टॉर्क हैं जो हमारे पास किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर मेजरमेंट के लिए ज़रूरी हैं, या एक एसेंशियल कह सकते हो, या इन्हीं की वजह से वो कैलिब्रेशन वो स्केल डिफ्लेक्शन होता है और इसी इन्हीं की वजह से मेजरमेंट होती है, डिफ्लेक्टिंग कंट्रोलिंग और डैम्पिंग। नाम से क्लियर है, पहला तो डिफ्लेक्टिंग का मतलब जो डिफ्लेक्ट करेगी, जो पॉइंटर को हिलाएगी, कंट्रोल कंट्रोल करेगी, डैम
जो डैम अनडिजायरेबल ऑक्सीडेशन से उन्हें रोकेगी। अब कैसे होती हैं, इनके टाइप्स क्या हैं, वो क्या हैं, वो हम तो वो डिटेल में स्टडी कर लेंगे, बट एक मैं बेसिक ओवरव्यू आपको देता हूँ। देखिए ये पॉइंटर है, सॉरी स्केल है, ये पॉइंटर है 0, 1, 2, 3 ऐसे करके आपकी वैल्यूज पड़ी हुई हैं, और ये आपका सपोज इंस्ट्रूमेंट है। आपने जैसे सप्लाई दी तो जितना भी आप करंट देंगे उस करंट के ऊपर जो है आपकी ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क काम करती है, उससे एंगल डिफ्लेक्ट होगा और उस एंगल के भी ऊपर आपकी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क काम करेगी। तो जैसे ही आपने सप्लाई दी ये पॉइंटर इधर घूमना शुरू होगा ऐसे खट, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का काम है कि नल पोजीशन से जीरो से उस पॉइंटर को ऐसे 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 से जहां पे भी मेजर कराना है वहां तक लेकर आए, ले आई पॉइंटर को। अब इसको यहां रोकना है तो उसका काम करती है कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कंट्रोलिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगी उतनी कंट्रोलिंग टॉर्क भी लगेगी। कंट्रोलिंग टॉर्क में हम दो मेथड यूज करते हैं, एक स्प्रिंग मेथड यूज करते हैं, स्प्रिंग्स का यूज करते हैं, या ग्रेविटी कंट्रोल भी करते हैं, तो वो हम अभी आगे जब पढ़ेंगे उस लेक्चर में तो देखेंगे कि वो दोनों क्या होती हैं और कैसे उनको यूज किया जाता है। तो कंट्रोलिंग टॉर्क का काम क्या है, जैसे स्प्रिंग में अगर हम बात करें तो ये क्या करती है, ट्विस्टेड होती है, एक अलग दिशा में ऐंठन पड़ती है इसमें, तो ट्विस्ट होने से क्या होगी, ये जैसे वो एकदम मूव हुआ उसको तुरंत वहीं रोक दिया, मानिए आपका ये था पॉइंट ऐसे मूव, खट जहां रुकना था तो जहां रुकनी है वहां रुक देगा। अब ये नहीं हो ये ऐसे यूं मूव होकर पूरा उधर पहुंच जाए, यहां से शुरू हुआ इधर आ गया, ऐसे 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 घूमता रहे तो ले ली तुमने रीडिंग, फिर तो ले ली है ना, नहीं ले पाओगे। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का काम था यहां से डिफ्लेक्ट किया इधर आ गया, अब कंट्रोलिंग टॉर्क ने इसको यहां रोक दिया। अब क्या होता है काफी बार जैसे जो क्योंकि एजिंग इफेक्ट भी आते हैं बहुत सी बार, चूंकि पॉइंटर है स्प्रिंग है तो नहीं होता कि प्योर एकदम स्प्रिंग ने एक बहुत तगड़ी कंट्रोलिंग टॉर्क दी। काफी बार क्या होता है आपका जो ये है जैसे आपने मूव करा तो यहाँ आके ऐसे 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 करके हिलने लगता है, ऑक्सीलेशन देता है, मतलब रुक तो गया पर ऐसे क्योंकि ये जो है ना ये आपकी उठी होती है ना तो ये कभी बार ऐसे हिलती है। अब इसमें आपको तो एग्जैक्ट रीडिंग चाहिए, मानो ये 2.8, 2.7 ऐसे ऐसे हिल रही हो तो होगी रीडिंग, तो ये ऑक्सीलेशन अनडिजायरेबल होती है तो इनको खत्म दबाना है, डैम्प करना है, तो उसके लिए हम डैम्पिंग टॉर्क का यूज करते हैं। तो डैम्पिंग टॉर्क के भी हमारे पास बहुत से फिनोमिना ऐसे हैं, बहुत से सॉरी टाइप्स हैं, तरीके हैं कैसे करना है, एडी करंट है, फ्लूड फ्रिक्शन है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग है, तो वो डैम्पिंग करने के काम आती है। ठीक, तो कैसे डैम्पिंग टॉर्क डेवलप करनी है, कैसे कंट्रोलिंग टॉर्क बनानी है, कैसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के भी टाइप हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है या डायनेमिक है, कैसे हम वो करेंगे, तो ये सब भी हमें डिटेल में स्टडी करना है। तो इसमें जो क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं वो आपको एक एक टॉर्क के बारे में पूछ लेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल या कौन सी एसेंशियल नहीं है, या जनरली कि भाई करंट जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो किस पे डिपेंड करती है, तो वो करंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि करंट एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पे डिपेंड करता है और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पे आपकी टॉर्क डिपेंड करती है। तो ये इसका एक बेसिक फॉर्मूला और एक डेरिवेशन है वो हम एक क्लियर कर लेंगे, समझाएंगे आपको तो कैसे यूज, तो उस पे से आपको कुछ क्वेश्चन RRB-JE में और उसमें DMRC में पूछे गए हैं और वो पूछे जाते हैं। ठीक, तो एक टॉपिक आपका यहां से रहेगा। एक आपके हैं जतिज जो हमारे पास इसमें है कि जब हम ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो चाहे मीटर हो चाहे हो, तो हमने इंस्ट्रूमेंट्स का क्लासिफिकेशन जब पढ़ा तो इससे हमने दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, पहले दैट इज PMMCC परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ठीक है, PMMCC इंस्ट्रूमेंट, और दूसरे मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट। मूविंग आयन में भी हमने दो टाइप पढ़ने हैं, अट्रैक्शन टाइप और रिपल्शन टाइप। तो ये मतलब अब ये ब्रॉड टॉपिक है, बड़े टॉपिक है कि PMMCC। अब जैसे हमने तीन टॉक की बात की तो हम इनका यूज भी देखेंगे कि इन तीनों टॉक्स को इंस्ट्रूमेंट्स में बनाया क्या जाता है। तो ये दो हमारे इंस्ट्रूमेंट है, PMMCC परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल और मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट। तो ये कैसे यूज किए जाते हैं, इनका कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, तो इसमें क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं कि जो इसमें आप जब इसको पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं कि सॉफ्ट आयरन का कोर क्यों बनाते हैं हम, तो उससे एडी करंट लॉस कम हो हमारा, ठीक है, या सॉफ्ट आयरन सिलेंडर का यूज़ क्या है, या जीवल का काम क्या है, पीवट का काम क्या है, या कैलिब्रेशन कितना होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल का काम क्या है। ठीक, तो उसी तरह हमारा हेयर कौन सी इसमें हम डैम्पिंग यूज़ कर रहे हैं, कौन सा हम इसके अंदर टॉक यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें
पढ़ेंगे कि PMMCC किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं और कैसे उनको डिजाइन किया जाता है, कैसे उन्हें बनाया जाता है। ऐसे मूविंग आर्म इंस्ट्रूमेंट में हम पढ़ेंगे कि अट्रैक्शन रिपल्शन दो टाइप तो हैं, तो अट्रैक्शन टाइप में कौन सी कॉइल आपकी मूविंग होती है, कौन सी रुकी हुई होती है, कौन सा अट्रैक्शन का फिनोमेना कैसे काम कर रहा है, रिपल्शन का फिनोमेना कैसे काम कर रहा है, करंट कॉइल प्रेशर कॉइल क्या है, ठीक इस तरीके से। एक आपका और है डायनेमो टाइप वॉट मीटर भी है, तो वॉट मीटर हमारा कैसे यूज किया जाता है पावर मेजरमेंट में, है ना, प्रेशर कॉइल आपकी जो करंट कॉइल और वोल्टेज कॉइल का काम क्या है, ठीक। तो ये तीन हमारे इंस्ट्रूमेंट के टाइप हैं, इंस्ट्रूमेंट कौन से, ठीक है। तो अब जैसे PMMCC है आपका, तो PMMCC तो एक जनरल टाइप है, उससे एमीटर बना लो, वोल्ट मीटर बना लो, कुछ भी बना लो, तो आपके ऊपर है, ठीक। तो ऐसी मूविंग आयरन, तो ये हमारे डायनामाइट वॉट मीटर, ये सब इसी तरह हम इनका यूज़ करेंगे। तो कैसे कैसे इन इंस्ट्रूमेंट का एप्लीकेशन है या कैसे यूज़ किए जाते हैं, इनका पूरा कंस्ट्रक्शन वर्किंग और जो जो इसमें कंपोनेंट जो जो पार्ट्स यूज हुए हैं उनका प्रॉपर फंक्शन, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आते हैं कि क्यों ये सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर हमने PMMCC में यूज़ किया, क्यों हमने जीवल लगाया है, क्या पीवट का फंक्शन क्या है, हैं एडी करंट डैम्पिंग क्यों यूज़ किया है या कौन सी डैम्पिंग यूज़ की है, तो इस तरीके से क्वेश्चन इस पूछे जाएंगे आपसे, ठीक। तो ये हम तीन टॉपिक्स आगे आने वाले जो लेक्चर्स आपके रहेंगे फर्दर उनमें पढ़ेंगे, ठीक। तो ये एक ओवरव्यू रहा इंस्ट्रूमेंट का कि इंस्ट्रूमेंट कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन सी टॉप चाहिए और तीन हमें बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स को इसमें पढ़ना है, ठीक। इसके अलावा जो अदर टॉपिक्स हमारे पास हैं दैट इज वो क्या क्या हैं वो भी बता देते हैं। तो पहले हमने मेजरमेंट देखा, मेजरमेंट में हमें कहाँ क्या क्या कवर करना था वो एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया सिलेबस में, और उसके बाद हमने इंस्ट्रूमेंट्स देखे। अब हमारा जो अगला मिलेगा आपको दैट इज टॉपिक जो सिलेबस में इम्पोर्टेंट भी है और काफ़ी बार पूछा भी गया है, तो वो एक्सटेंशन रेंज। Of emitter and voltmeter, ठीक, कि अगर आपको emitter और voltmeter की range को extend करना है तो वो कैसे आप extend करेंगे, ये topics पे आपको question मिलते हैं। तो इसमें क्या generally इस पर formula है, numerical मिल जाता है। होता क्या है कि emitter में हम एक shunt wire use करते हैं, shunt is a low resistive wire which is connected in parallel which is connected in parallel, जो कि parallel में लगा देते हैं। तो parallel में लगा देंगे अगर आप उसके साथ एमीटर के साथ, तो इसकी रेंज जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। इसी तरह वोल्ट मीटर की रेंज को अगर आपको एक्सटेंड करना है तो उसके लिए हम मल्टीप्लायर यूज करते हैं। इट इज अ, ये जैसे लो रेजिस्टिव वायर थी, इसी तरह आपकी मल्टीप्लायर एक हाई रेजिस्टेंस वायर होती है, नाम से है ना, मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हम सीरीज में लगाते हैं वोल्ट मीटर के साथ, ठीक है। एक और चीज, एमीटर को सर्किट में कैसे लगाया जाता है, सीरीज में, वोल्ट मीटर को पैरेलल में, क्योंकि वोल्टेज मेजर करना है, करंट मेजर करना, ठीक। इसमें ऐसा क्यों लगाते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपको पता है एमीटर सीरीज में लगाया जाता है क्योंकि सीरीज में करंट सेम है, करंट इजिली मेजर हो जाता है, व्यर्थता नहीं है। वोल्ट मीटर आपका पैरेलल में लगता है क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहते हैं, ठीक। इसी तरह बट जो इसकी रेंज को अगर बढ़ाना है, एमीटर सीरीज में लगता है, ये ध्यान रखना काफी बार गलती होती है, पर जो शंट वायर है वो पैरेलल में लगती है एमीटर के साथ पैरेलल में, जिससे उसकी रेंज एक्सटेंड हो जाए, ठीक। इसी तरह वोल्टमीटर, तो सर्किट में जो वोल्टमीटर लगेगा वो पैरेलल में लगेगा, पर जो मल्टीप्लायर वायर है वो इसके साथ सीरीज में लगेगी ताकि उसकी रेंज को एक्सटेंड कर दिया जाए। तो इस पर एक बेसिक छोटा सा हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके देखेंगे आगे लेक्चर में, और इसका एक छोटा फॉर्मूला है वो देखेंगे, क्योंकि इस पर काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई ठीक है अगर इतना ओम का करंट आ रहा है, रेजिस्टेंस है, इतना एमीटर नॉप कर रहा है, इतना वो कर रहा है, तो कितने उसकी रेजिस्टेंस की शंट वायर चाहिए, कितना वो चाहिए। तो इस तरीके की आपको क्वेश्चन इसमें से पूछते हैं, तो ये एक टॉपिक आपका रहेगा। दूसरा, आपके जो कुछ अदर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स जो हमें इसमें उनके बारे में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, वो हैं जैसे सबसे पहले CRO के बारे में पढ़ना है हमें, कैथोड रे ऑक्सीलोस्कोप। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें जैसे CRO तो आप ये मान लीजिए मेन है, इसके बिना तो काम होना ही नहीं, क्योंकि सिग्नल का प्रोसेसिंग करनी है, सिग्नल को नापना, सिग्नल को देखना, तो बिना CRO तो होगा ही नहीं जी।
तो CRO तो बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो CRO इज वाइडली यूज, CRO सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है हमारा एज अ इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट में, ठीक है। सिग्नल को देखने के लिए, सिग्नल को शो करना है ना, कोई भी सिग्नल आया उसको शो करना, आउटपुट लेना, डिस्प्ले लेना, तो CRO। तो इसमें क्या, डिटेल में आपको CRO का ब्लॉक डायग्राम एक स्टडी करना है और CRO के हर एक कंपोनेंट को, है ना। जैसे अगर दो मेजर कंपोनेंट की बात करें तो CRT हमारा एक मेजर कंपोनेंट होता है CRO में, उसको आपको स्टडी करना है। इसके फ्रंट पैनल पे कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन है, तो थोड़ा सा फ्रंट पैनल पे किस स्विच का क्या फंक्शन है CRT के अंदर भी, फिर इसमें बहुत टाइम बेस्ड जनरेटर का क्या काम होता है, डिले लाइन का फंक्शन क्या है, स्वीप सिग्नल क्या होता है, तो ये सारी बातें हमें इसमें डिटेल में स्टडी करनी है कि CRO के अंदर कि CRO क्या करता है और कैसे करता है। तो ये सारा हम एक कवर करेंगे कि हमारा पूरा ब्रॉड CRO पे अच्छा खासा फोकस करते हुए आपको सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक। CRO के एप्लीकेशंस को भी हमें देखना है, डुअल बीम, डुअल ट्रिगर, और किस DSO जो है डिजिटल CRO आपका, तो कैसे इसके पैटर्न्स हैं, लिसेजेस पैटर्न हुआ या किस तरीके से डेवलप होंगे, तो ये सारा भी हमें पढ़ना है। और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं क्योंकि CRO इतना बड़ा है, और CRO में अपने अंदर टॉपिक पे टॉपिक, CRO के एक ब्लॉक को आप पूरा टॉपिक के तौर पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, टाइम बेस तो टाइम बेस को अच्छे से समझा सकते हैं, CRT तो CRT को आप ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो CRO आपको बहुत हद से अच्छे से करना है, इस पर पूरा एक लेक्चर हम लेंगे और उसमें पूरा कंप्लीट एक CRO का स्ट्रक्चर, ब्लॉक और हर एक को चीज़ को डिटेल में स्टडी करेंगे, ताकि क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछेंगे, टाइम बेस है, कैसे सिग्नल जनरेट हो रहा है, स्वीप टाइम क्या है, रिट्रेस टाइम क्या है, ट्रेस टाइम का मतलब क्या है, कितना होता है, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, फ्लाईबैक पीरियड कितना है उसका, ठीक है, डिले लाइन का फंक्शन क्या है, क्यों यूज़ कर रहे हैं, व्हाट है ना, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है, सिंकिंग सर्किट, ब्लैंकिंग पल्सेस, बहुत सी चीज़ें हैं, तो उन सबको हम अगले जो लेक्चर्स आएंगे उसमें CRO को भी पढ़ेंगे। तो एक टॉपिक आपका जो इंपॉर्टेंट है सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो CRO। सेकेंड आपके हैं हमारे पास ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर्स आपको पता है दे आर पर्टिकुलरली नॉन एज, अगर हम सिंपली अगर बात करें तो सेंसर बोल सकते हैं। ट्रांसड्यूसर का काम एक ही है कि किसी भी फॉर्म ऑफ सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बना देता है, मेजर कर देगा आप प्रेशर, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, इलेक्ट्रिकल जो भी आप दे दो, क्या वोल्टेज तो इलेक्ट्रिकल है, मतलब एनी फिजिकल क्वांटिटी को किसी को भी आप दें, इसमें साउंड वाउंड जो भी है, माइक भी तो एक तरीके का ट्रांसड्यूसर ना, हम बोल रहे हैं माइक में, तो माइक क्या कर रहा है, ट्रांसड्यूसर, हमारी जो वॉइस है साउंड को उसको कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल वहाँ जा रही है और आपको साउंड उसमें, फिर बाद में वो प्रोसेस, तो वो पूरा एक अलग प्रोसेस में है। तो ट्रांसड्यूसर का काम ये है। तो कौन कौन से ट्रांसड्यूसर हैं, उसकी क्लासिफिकेशन है जैसे, तो वो सारे ट्रांसड्यूसर हमें पढ़ने हैं। मानो LVDT है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, स्ट्रेन गेज है, कैपेसिटिव है, हॉल इफेक्ट है, इसके साथ साथ कैपेसिटिव, हॉल इफेक्ट, और भी आपके सिलेबस में थर्मिस्टर है, थर्मिस्टर का क्या काम है, NTC PTC किस तरीके से वर्क करता है, थर्मोकपल क्या है, उसका यूज़ किस तरीके से है, कैसे इसमें कपल सर्किट है, हॉट जंक्शन कोल्ड जंक्शन का फंक्शन क्या है और कैसे वो यूज़ किया है, तो कौन कौन से मेटल्स यूज़ किए जा रहे हैं थर्मिस्टर को बनाने के लिए अगर, या फिर थर्मोकपल को बनाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें भी आपको डिटेल में स्टडी करनी है। तो एक पूरा का पूरा लेक्चर हम CRO पे, एक पूरा ट्रांसड्यूसर पे, इस तरीके से डिज़ाइन होंगे आगे, और वो अगर आप एक पूरा एक डेढ़ घंटा इसको देते हैं, इसको देते हैं, तो आपको इससे अलग कुछ आएगा ही नहीं, पूरे आप चाहे RRB उठा लीजिए, DMRC, और उसमें कर जाइए बस, आपको बस क्वेश्चन पढ़ना टिक हो जाएगा, इतना बड़ा टफ कोई टॉपिक नहीं है, क्योंकि मेयरली थ्योरी सब्जेक्ट है, और थ्योरी भी पर अगर जब आप उसमें ढंग से, एक होता है खाली सरसरा पढ़ गए तो काफ़ी बार क्वेश्चन आउट हो जाते हैं, नहीं आते, तो आप जब उसको एक बार डीप से समझ लेंगे तो आपको फिर कोई क्वेश्चन आपका वहाँ से छूटना है ही नहीं। तो एक दो टॉपिक्स आपके ये ब्रॉड है, ठीक। इसके अलावा अदर मिसलिनियस टॉपिक्स हैं हमारे पास कुछ मेजरमेंट में जो हमारे हैं, दैट इज़ मल्टीमीटर है जैसे, तो मल्टीमीटर किस तरीके से हम यूज़ करते हैं एनालॉग डिजिटल, वो वोल्टमीटर हैं हमारे, तो कौन से वोल्टमीटर किस तरीके से उनको यूज़ किया जाता है, सिग्नल जनरेटर्स हैं, ठीक है। ये टॉपिक पर्टिकुलरली RRB-JE में नहीं है, DMRC वगैरह में ज़्यादा पूछे जाते हैं ये, तो वो सिग्नल जनरेटर्स या किस तरीके से काम करते हैं। उसके बाद डिजिटल टेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं,
लॉजिक प्रोब, लॉजिक पल्सर, वो सारे किस तरीके से काम करते हैं. तो ये थोड़े से टॉपिक्स, ये मिसलिनियस, ये अलग टॉपिक्स हैं, ये आपके आरआरबी जेई में तो नहीं है बट डीएमआरसी के अंदर ये पूछे जाते हैं और भी कुछ एग्जाम्स में पूछे हुए हैं. तो जनरली ये सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस के अंदर रहते हैं. इसके अलावा कुछ हमारे अदर डिस्प्ले डिवाइसेस हैं जो हम यूज़ करते हैं, ठीक. तो उन डिस्प्ले डिवाइसेस पे भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे एलसीडी है, एलईडी है, लाइट एमिटिंग डायोड है, किस प्रॉपर फंक्शन पे वर्क करता है, कौन सा इसमें जंक्शन है, डिफ्यूज़न किस तरीके से काम करेगी, या डिफ्यूज़न लेयर का वर्क क्या है, या है ना कैसे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे हैं. उसके बाद LCD का फंक्शन क्या है, क्रिस्टल डिस्प्ले है, क्या उसमें यूज़ किया जाता है, कौन सा क्रिस्टल है, अगर हम फ्लोरेसेंस की बात करें तो क्यों चमक ज़्यादा होती है, CRT में हम कौन सी स्क्रीन यूज़ कर रहे थे, LCD लगा देंगे तो क्या बेनिफिट हो जाएगा. तो ये सारे टॉपिक्स, ये सारी क्वेश्चंस इसमें रहेंगे. तो ये एक पूरा ओवरव्यू आपका सिलेबस का है इसमें, इससे अलग इसमें कुछ नहीं आएगा. तो सबसे पहला जो हमने पढ़ा दैट इज़ मेजरमेंट. मेजरमेंट क्या था, उसके अंदर हमने जो पढ़ने हैं वो सारी चीज़ों को देखा. उसके बाद हमने इंस्ट्रूमेंट्स को देखा, इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या थे और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को हमें पढ़ना, उनमें क्या टॉपिक रहेंगे. उसके बाद PMMCC और उसके साथ साथ जो अदर चीज़ें हमें पढ़नी है वो मेन एक CRO के बारे में काफ़ी क्वेश्चन हैं. LC ट्रांसड्यूजर्स को आपको पढ़ना है, क्योंकि पूरा मेजरमेंट भाई जाहिर सी बात है सेंसर और इन पे ही डिपेंडेंट है और कुछ नहीं. इसके अलावा जो अदर इंस्ट्रूमेंट हमारे मल्टीमीटर वोल्टमीटर, तो ये सारा हम एक डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक. तो ये आई होप आपको समझ आया होगा. यानी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट वगैरह में आप लिखें तो उसको आपको क्लियर किए जाएंगे. आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाह रहे हैं डिटेल में, हालांकि चूंकि ये सिर्फ डेमो था इसलिए हम जो आगे अब लेक्चर्स आपको रहेंगे बनेंगे, उन लेक्चर्स में हम हर टॉपिक को स्टडी करते हुए समझाते हुए चलेंगे किस किस तरीके से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक. तो आप इस डेमो को मतलब एज अ डेमो लेते हुए अगर आपको लगता है कि जनरल टॉपिक्स को आपको चाहिए, समझना है, पढ़ना है, तो आपको जो पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज़ है उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं. ये जो नंबर आपको दिए हुए हैं स्क्रीन के ऊपर, और आप उन पर कॉल कीजिए, आप लेक्चर्स ले सकते हैं बड़े आराम से. और आप उनको, आप चाहते हैं कि और किसी पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करते हुए कोई वीडियो डाली जाए तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं कि ये थोड़ा सा अच्छा है, या आपके कोई डाउट्स या फीडबैक रहें तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, ठीक. तो ये था मेरी तरफ से आज इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट का एक डेमो, इंट्रोडक्शन टू सिलेबस. और फर्दर लेक्चर्स में हम इसके पूरे सिलेबस को कवर करते हुए चलेंगे. सो थैंक यू वेरी मच.